क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि भगवत गीता में एक बात कही गई है, क्या कि अगर आप दुख पे ध्यान दोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा ना, दूसरी तरफ सोचोगे ही नहीं, आप सोच पाओगे ही नहीं। तो अगर आप कुछ और सोचना चाहते हो तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, माइंड को दूसरे कामों की तरफ डाइवर्ट करो। अगर दुख पे ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, अगर सुख पे ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप जिस चीज पे ध्यान देने लगते हो वही चीज आपकी लाइफ में एक्टिव होने लगती है ना। अगर आप सोचते हो कि अगर ये काम मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, हमें सोचना ही नहीं है, हमें अपने कर्म करने हैं। इसीलिए कहते हैं दुखी होगे तो हमेशा दुखी रहोगे, अगर सुख चाहिए तो हमेशा सुख के लिए ही सोचो, तभी सुखी रहोगे, ठीक है? नहीं तो आपकी जिंदगी में वही चीज सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचने लगते हो, जिस चीज की तरफ आप ज्यादा रुझान लेने लगते हो, झुकने लगते हो, ठीक है? और जीवन में आपके यही चीजें क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, यही प्रकृति का नियम है, ठीक है? यही कुदरत का नियम है। इसलिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, स्माइल, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। नो डाउट हमने सेल्फ पॉलिनेशन पूरा खत्म किया था लास्ट क्लास में, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? हमारे दो पॉलिनेशन थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में टू बताए थे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्ट वन हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया, आज हम फिनिश करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर्स। जो हमारे पॉलन होते हैं जब वो एंथर के फ्लावर से, मतलब फ्लावर के एंथर से, एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में जाता है दूसरे प्लांट के, मतलब उनकी स्पीशीज सेम होती हैं, ठीक है? स्पीशीज सेम होंगी लेकिन वो क्या करेंगे, ये एक प्लांट के एंथर है जो स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है? और किस पे जाते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, दूसरे प्लांट के, उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर में स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, तभी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मतलब एक प्लांट ये है, ठीक है, इसका एंथर है, ये दूसरा प्लांट है हमारा, ठीक है? तो इसका जो एंथर वो इसके स्टिग्मा में आ जाएगा, सेम स्पीशीज का होता है, दूसरा प्लांट होता है उसके स्टिग्मा में आ जाएगा जब इसका एंथर, तो वही क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अगर इसी के में ये फ्लावर है, तीन फ्लावर है, इसका हमारा एंथर इसी स्टिग्मा पे आके गिर गया तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? जब अलग अलग प्लांट्स हैं तो हमारा इसका एंथर इसके स्टिग्मा पे आके गिरेगा दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पे, तो वो कहलाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। जो बड़े फ्लावर्स होते हैं उनके जो ओपन पेटल्स होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, एक जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो इसका होता है उसको एक्सपोज करती है, मतलब दिखाती है, बाहर दिखता है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उसी को हम कहते हैं चैस्मोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं? चैस्मोगैमस कहते हैं। हमने इसके पहले क्रॉस पॉलिनेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, क्लिस्टोगैमस पढ़ा था, क्लिस्टोगैमी या तो कह लीजिए, ठीक है, क्लिस्टोगैमस हमने पढ़ा था। तो क्लिस्टोगैमस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं एंथर और स्टिग्मा उसके, वो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, इसमें बाहर दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपोज कह रहा है। जो बड़े फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो उसके पेटल्स ओपन होने की वजह से, मतलब बड़े बड़े होते हैं, है ना, जैसे हिबिस्कस है, ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर कैसा होता है, बड़ा होता है तो उसका क्या होता है, पूरी हमें एक एक स्ट्रक्चर उसके दिखाई देती है, इसीलिए फ्लावर डिसेक्शन के लिए हम हिबिस्कस का फ्लावर यूज करते हैं। और जो हमारा क्लिस्टोगैमस बताया था उसमें क्या होता है, उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो हिडन होते हैं, ठीक है? तो जो हमें एक्सपोज होते हैं, दिखते हैं, उनको कहते हैं चैस्मोगैमस। जैसे एग्जाम्पल है हिबिस्कस और ऑक्सलिस। अब
इसकी विशेषताएं क्या, एडवांटेजेस क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर होता है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। वैसे जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब जो नए प्लांट्स तैयार होते हैं, वो कैसे होते हैं? हेल्दी होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे होते हैं। सीड्स प्रोड्यूस आर एबेंडेंट, इसमें सीड्स बहुत सारे बनते हैं, एबेंडेंट अच्छी क्वांटिटी में बनते हैं और वायबल होते हैं, ठीक है, मतलब खराब जल्दी नहीं होते हैं, टिकाऊ होते हैं। न्यू वेराइटीज में भी प्रोड्यूस, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अलग अलग वेराइटीज बनती हैं, तो उनसे एक नई स्पीशीज अलग अलग हमको मिल सकती हैं, ठीक है। तो न्यू वेराइटीज बनती हैं, न्यू वेराइटीज में भी प्रोड्यूस, न्यू वेराइटीज हो सकती है प्रोड्यूस हो किसके थ्रू, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज आर इवन टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज, सेम स्पीसीज से दो अलग अलग वेराइटीज तैयार होती हैं और क्या होती हैं, वो अच्छी हेल्दियर होती हैं, ठीक है। अब ये थे इनके एडवांटेज, अब हम बताएंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं इनके, मतलब इनमें बुराई क्या क्या है। एक तो इसमें पोलन ग्रेन्स की क्या होती है, बहुत वेस्टेज होती है। पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज, जो पॉलिनेशन होता है वो हमेशा सर्टेन नहीं होता है, ठीक है, मतलब निश्चित नहीं होता है। कभी भी एंथर आके स्टिग्मा पे हो गया, आ गया अगर बाई चांस, तो पॉलिनेशन हो गया, मतलब कोई निश्चित नहीं होता कि कब होगा, ठीक है। पॉलन हैज टू प्रोड्यूस, कई बार होता है कि स्टिग्मा पे एंथर आया और हवा चली उड़ गया, तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा ना। पॉलन हैज टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, क्या होता है जब पॉलन हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं क्या, किस चीज के, पॉलिनेशन के, जिसका मतलब है हमारा कि वेस्टेज ऑफ पॉलन, ठीक है, जिसका मतलब क्या है हमारा, पॉलन का वेस्ट होना, उनका बर्बाद होना। अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट्स बिकॉज द फ्लावर्स हैव टू बी लार्ज, ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स अनइकोनॉमिकल होते हैं, मतलब ये हमारी आर्थिक स्थिति को क्या करते हैं, मतलब बहुत अच्छे इकोनॉमी नहीं मेंटेन करते हैं, ये अनइकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं हैव टू बी लार्ज, जिसके फ्लावर्स बड़े होते हैं, कलर्ड होते हैं, सेंटर्ड होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बी हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्ट होंगी तो उसका पोलन और नेक्टर क्या करेंगी, ले लेंगी, जिसकी वजह से उसके पोलन क्या होते हैं, कई बार वेस्ट भी चले जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमने क्या सीखा कि ट्रांसफर ऑफ वन प्लांट एंथर टू द अनदर प्लांट ऑफ फ्लावर स्टिग्मा, ठीक है, मतलब एक प्लांट का एंथर हमारे दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाएगा, तो दैट विल बी द क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके ये जो बड़े फ्लावर्स होते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं, तो उसको हम कहते हैं चाज्मोगैमस, ठीक है, ये पूछा जाता है चाज्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं। क्लिस्टोगैमस में क्या होते हैं, हिडन हो जाते हैं, उनके पेटल्स वगैरह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनका क्या होता है, छुप जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कहलाते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहलाते हैं, ठीक है। इनके हमें दिखते हैं, शो ऑफ होते हैं, बड़े होते हैं, एक्सपोज होते हैं, हमें दिखते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं हम क्लिस्टोगैमस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।